बेलापुर गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। कुछ समय पहले मोहन के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसे मोहन आज तक भी भूला नहीं था। मोहन की माँ हमेशा यही सोचती रहती थी कि मोहन बस वो पुरानी बातें सब भूल जाए, इसीलिए माँ ने मोहन की शादी के लिए लड़की देखी। लड़की वाले मोहन को घर देखने आए, उनके साथ उनकी बेटी भी थी। उन लोगों को मोहन बहुत पसंद आया, मोहन को भी लड़की बहुत पसंद आई थी। जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। शादी की पहली रात जब मोहन अपने कमरे में जाता है तो वो अपनी बीवी को देखकर हैरान हो जाता है। वो चुड़ैल के रूप में होती है, लेकिन मोहन चुड़ैल से डरता नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले मोहन के साथ जो हादसा हुआ था वो चुड़ैल का ही था। मोहन भी पहले हर रोज रात को एक चुड़ैल के रूप में आता था। तभी चुड़ैल के रूप में मोहन की पत्नी कहती है, मोहन तुम मुझे गलत ना समझना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ, बस तुम मुझे ये बताओ तुम चुड़ैल कैसे बनी। मैं तो हजारों वर्षों से ही चुड़ैल हूँ, शायद तुम मुझे भूल गए हो, हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। कहाँ? हम कहाँ मिले हैं? याद करो, तुम अपने दोस्त के साथ जंगल में घूमने आए थे, मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया था और तुम भाग आए थे। हाँ, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। उस रात को मैंने अपने ही गलती के कारण अपने दोस्त को खो दिया था। लेकिन अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? उस रात मैंने तुम्हें घायल कर दिया था और उसके बाद तुम भी लोगों को ऐसे ही मारने लगे जैसे मैं मारती हूँ। तो इससे अब क्या फर्क पड़ता है? मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। मेरे पास जो भी आया वो कभी मुझसे बचा नहीं। तुम पहले इंसान थे जो मुझसे बचकर आए थे। उस रात तुम मुझसे बचकर नहीं आए थे, बल्कि तुम जन्मों जन्मों तक मेरे पास आ गए थे। मोहन चुड़ैल की सारी बातें समझ जाता है और चुड़ैल को कहता है, ठीक है, लेकिन तुम माँ के सामने इस रूप में कभी मत आना। चुड़ैल मोहन की बात को मान लेती है और माँ के सामने चुड़ैल के रूप में नहीं आती। कुछ समय के बाद एक दिन चुड़ैल रात को उठ के बाहर निकलती है और पड़ोस के घर में जाती है। वहां से पड़ोसन को उठा ले जाती है और उसको कहती है, तो उस रात तो मोहन के हाथों से बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचेगी। लेकिन तुम कौन हो? मैं हूँ मोहन की पत्नी और मैं मोहन का बदला लेने आई हूँ। चुड़ैल पड़ोसन को मार देती है। अगले ही दिन गांव में फिर से हड़कंप मच जाता है। मोहन की माँ भी परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो गया और मोहन से अकेले में पूछ लेती है, मोहन बेटा तुम तो ठीक थे, लेकिन ये अब कैसे हो रहा है? मोहन माँ को हड़बड़ाता हुआ बोला, माँ ये मुझे पता नहीं, ये कैसे हो रहा है, मैं तो अब
घर से बाहर भी नहीं जाता। मोहन को तो ये सब पता चल चुका था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन मोहन उस समय चुप रह गया। मोहन ने पत्नी से कहा, सुनो तुम ये सब बंद कर दो, ये सब अच्छा नहीं है। मोहन की पत्नी मोहन की बात का कोई भी जवाब ना देते हुए वहां से चली जाती है। उसी रात मोहन की पत्नी जब चुड़ैल के रूप में आ जाती है, तभी मोहन की माँ उसे देख लेती है। कुछ समय पहले की बात है, बेलापुर गांव में चुड़ैल के डर से अफरा तफरी मची हुई थी। एक तरफ गांव वालों के दिलों में चुड़ैल के नाम से दहशत बनी हुई थी और दूसरी तरफ गांव में रह रहे मोहन के परिवार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मोहन बेटा, ये सब ठीक नहीं चल रहा है, हमें बहू को समझाना चाहिए कि ये सब बंद कर दो। माँ, मैंने उसको समझाया था, लेकिन उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। माँ बहू के पास जाती है और उसे समझाती है। बहू, ये सब बंद कर दो, इससे ना ही मैं खुश हूँ और ना ही मोहन। बढ़िया, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए नहीं कर रही, लोगों का खून पीने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। बहू माँ की कोई भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। उसी रात बहू चुड़ैल के रूप में आती है और गांव से निकल जाती है। चुड़ैल पूरे गांव में घूम आती है, लेकिन उस रात चुड़ैल को कोई भी इंसान नहीं मिलता। चुड़ैल परेशान होके घर वापस आ जाती है, लेकिन चुड़ैल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसीलिए चुड़ैल ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी सासू माँ को ही उठा लिया। बहू, तुम ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। बढ़िया, मुझे आज कहीं से भी कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए मेरा आज का खाना तुम ही बनोगी। जब उन दोनों के बीच हाथापाई हो रही थी, तभी मोहन की आंख खुल जाती है और वही देखता है कि उसकी चुड़ैल बीवी ने माँ को ही पकड़ा हुआ है। ऊषा, छोड़ो माँ को, क्या कर रही हो, माँ मर जाएगी। मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ अपनी भूख मिटानी है। चुड़ैल मोहन की बात भी नहीं मानती और माँ को मारने लगती है। तभी मोहन अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन कभी भी मोहन के सामने ऐसी घटना घटी तो मोहन फिर से चुड़ैल के रूप में आ जाएगा। बाबा ने जैसे कहा था, मोहन भी चुड़ैल के रूप में आ जाता है। मोहन पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली चुड़ैल बन जाता है। मैंने तुमको कहा था माँ को छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी, अब तू नहीं बचेगी। मोहन चुड़ैल को मार देता है और माँ को बचा लेता है। अगले दिन मोहन को माँ कहती है, मोहन बेटा, तुमने चुड़ैल को तो मार दिया, लेकिन अब तुम फिर से चुड़ैल के रूप में आने लगे हो। माँ, मैं चुड़ैल तो बन गया हूँ,
लेकिन मेरे अंदर अभी भी वही मोहन है। मैं आपसे वादा करता हूँ, गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर मोहन माँ को वादा कर देता है और हर रात चुड़ैल के रूप में तो आ जाता है, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को तो देखते ही हो, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों का हौसला और बढ़े। धन्यवाद।